तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक दूसरा नया वर्ड लेके आ गया हूँ। बेफल, बेफल, बेफल। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ये है, फिर भी देख लीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन बेफल। या मेरी आवाज में आपको पता ना चले तो आप किसी डिक्शनरी या गूगल में देख लीजिए। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है नाउन में गतिरोधक या अवरोधक पर्दा। एक ऐसी चीज जो गतिरोधक हो, जो गति को रोक देती हो, या अवरोधक पर्दा। किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, हम साइंस के एक्सपेरिमेंट में नहीं, अवरोधक पर्दा लगाते हैं, वो उसे बेफल भी कहते हैं। वर्ब यहाँ पे हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई लिखने में फॉन्ट की, तो आप देख लेना कि ये असमंजस में डालना, ये डालना लिखा है। और ये है चकित कर देना, चकित कर देना, असमंजस में डालना, किसी को कंफ्यूज कर देना, पूरी तरह से कंफ्यूज कर देना, पूरी तरह से उसको कुछ समझ में ही ना आए, असमंजस में डालना या चकित कर देना। डेफिनेशन है टू कंफ्यूज समबड़ी कंप्लीटली, किसी को कंप्लीटली पूरी तरह से कंफ्यूज कर देना। और टू बी टू डिफिकल्ट और स्ट्रेंज फॉर समबड़ी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, किसी के लिए उसको समझना और एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो। इसकी ट्रिक भी मैंने ऐसी बनाई है कि एक बार आपको देखने से याद रह जाएगी कि बफेलो की हालत देखकर मैं विफल हो गया। जो ये इसमें देखा है कि ये जो भैंस है उसकी हालत देखकर मैं विफल हो गया, यानी कि चकित हो गया। असमंजस में डाल देना, इसकी हालत ने मुझे असमंजस में डाल दिया, कंफ्यूज कर दिया। अब इसके फॉर्म से प्लूरल में बफल्स, पास्ट एंड पार्टिसिपल फॉर्म दोनों ही इसके सेम ही है, बेफल्ड। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है बेफलिंग। प्रेजेंट फॉर्म फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस या यस लगता है, तो वो फॉर्म है बेफल्स, बेफल्स। अब सिनोनिम से कंफ्यूज, अमेज, बीट, पजल काफी सारे थे, पर मैंने यहाँ पे इतने ही लिए हैं। एंटोनिम से इसके एक्सप्लेन, कंफर्ट, क्लैरिफाई, इल्यूसिडेट, यानी कि एक्सप्लेन करना। और इसके रिलेटेड फ्रेजेस है, फ्रेज है, सॉरी फ्रेजेस नहीं, यहाँ पे मैंने एक ही लिया है, तो बफल फ्लेट, सॉरी बेफल फ्लेट, बेफल फ्लेट, वो बफेलो के वजह से। इसकी इटिमोलॉजी कुछ इस तरह की, फ्रेंच में एक वर्ड है बफर, ये पढ़ना मुझे नहीं आता, फ्रेंच में ये वर्ड है और दूसरा ये है, ये दोनों मिलके ये इंग्लिश में ये वर्ड बना है बेफल। 16वीं शताब्दी में ये वर्ड बना था, फ्रेंच का जो वर्ड है ये और ये दोनों मिलकर 16वीं शताब्दी में ये वर्ड बना था। यहीं पे भी वही लिखा है, ऑक्सफोर्ड में सेम ही ली है, तो गूगल करके आप देख सकते हैं। अब इसके मैंने सेंटेंस बनाए हैं, सेंटेंस फॉर्म किए हैं। आई वॉज कम्प्लीटली बिफल्ड, मैं कम्प्लीटली असमंजस, मैं कम्प्लीटली ऐसा समझे कि कंफ्यूज हो गया था, मैं पूरी तरह से बेफल्ड हो गया था, यानी कि चकित हो गया था। दूसरा है दिस सिचुएशन बेफल्स मी, ये सिचुएशन जो ये परिस्थिति मुझे ये असमंजस में डाल देती है। तीसरा सेंटेंस है यू शुड बेफल योर अपोनेंट फॉर विक्टोरी, आपको अपने जो विरोधी है, अपोनेंट है, उसको जीतने के लिए उसको आपको चकित करना पड़ेगा, उसको आपको पूरी तरह से कंफ्यूज करना पड़ेगा, असमंजस में डाल देना पड़ेगा। चौथा सेंटेंस है आई एम बेफल्ड आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी, वह मूवी देखने के बाद में पूरी तरह से असमंजस में चकित हो गया, सॉरी चकित हो गया। कहीं पे असमंजस में डाल देना या कहीं पे चकित होना, दोनों वर्ड, दोनों मीनिंग यूज होते हैं। पांचवा सेंटेंस है सुशांत सुसाइड बेफल्स मी स्टिल, जो सुशांत से अभी जो बहुत बड़ा स्टार है उसने सुसाइड किया, उससे मैंने सेंटेंस बनाया कि सुशांत सुसाइड बेफल्स मी स्टिल। उसका जो
उसकी जो आत्महत्या है वो अभी भी मुझे चकित कर देती है। छठवां सेंटेंस है, आई सो मैनी बेफलिंग डिफिकल्टीज इन द लाइफ। मैंने उसके जीवन में काफी सारी ऐसी परिस्थितियां देखी जो चकित कर देने वाली होती है। सातवां सेंटेंस है, आई सो मैनी बेफलिंग डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ। सॉरी, ये दोनों सेम ही आ गए हैं कॉपी पेस्ट में। आठवां सेंटेंस है, ये जो ये और ये, इसकी जगह मैं दूसरा लिखने का ट्राई कर रहा था पर मेरे ख्याल से ये थोड़ा प्रॉब्लम टेक्निकल फॉल्ट हो गया। और आठवां सेंटेंस है, डेट सीन यूज्ड टू बेफल मी। वो जो दृश्य है वो मुझे चकित कर देता था, पास्ट में यूज्ड टू करता था, बेफल मी, बेफल मी, वो जो सीन है वो मुझे चकित कर देता था। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और अगला वीडियो कौन से वर्ड पर चाहे वो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।